और आज की वीडियो में अपनी कवरेज है झज्जर सिटी में, जो कि 21-22-23 दिसंबर 2018 को हरियाणा राज्य पशुधन प्रदर्शनी हुई है, जिसमें काफ़ी पशुओं ने जो है पार्टिसिपेट किया है, कंपटीशन जो है उनका हुआ है और विनर भी उसमें रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम एक मारवाड़ी घोड़ा जो है कवर कर रहे हैं, तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं, मिलते हैं इनके ओनर से, इनके पशु की जो डिटेल हो लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर आप व्यूअर्स को अपने बारे में एक बार बताएं। ऋषिराज नाम है मेरा जी। और असोदा गांव है जी। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहता है जी? ये अपना झज्जर डिस्ट्रिक्ट। झज्जर डिस्ट्रिक्ट। तो सर आपके पास एक मारवाड़ी घोड़ा है जो कि आपने कंपटीशन में इसको फाइट करवाया है, तो कौन सी प्राइस इसने जीती है? इसने पहली प्राइस जीती है। पहली प्राइस इसने जो है जीती है, आपका नाम रोशन इसने किया। ठीक। तो सर ये कितनी एज में है आपके पास? ये है अब मान के चलो कल 24 तारीख को 28 महीने का हो जाएगा। 28 महीने का हो जाएगा जी। तो काफी जल्दी इसने जो आपका नाम कमा दिया। बिल्कुल, आपको बहुत देर हो गई। तो आप व्यूअर देख सकते हैं, काफी शानदार कदकाठी के साथ मारवाड़ी घोड़ा, जिसने सर को पहला स्थान हासिल करके उनके नाम का जो है गौरव बढ़ाया है। तो सर आप यहाँ इस मेले में आए हैं, तो आप क्या फर्स्ट टाइम किसी मेले में आए हैं? पहले भी? नहीं नहीं, पहले भी आते हैं, हर मेले में जाते हैं, राजस्थान में भी चले जाते हैं। राजस्थान के 2-4 मेले फेमस हैं। मुक्सर का मेला है पंजाब का, जो पटियाला में लगने लगे। आपके ये जो मारवाड़ी घोड़ा है, आपने इसका कोई नाम भी आपने रखा होगा? हाँ, इसका नाम प्रताप। प्रताप। तो सर का जो प्रताप घोड़ा है, जिसने कंपटीशन विन करके जो है अपना पहला स्थान उसमें हासिल किया है, सर का जो है नाम ऊंचा किया है। तो आप देख सकते हैं काफी शानदार कदकाठी के साथ। तो सर आपने इस प्रताप के बारे में यदि बात करते, इसने कोई कंपटीशन और भी फाइट किया है? नहीं, पहली बार है। पहली बार? पहली बार में इसने मोर्चा मार दिया। काफी अच्छा है, अच्छा है। तो सर इसकी आप डाइट वगैरह भी आप कुछ बताएं? डाइट तो इनकी नॉर्मल है। नॉर्मल, जैसे 4 लीटर दूध दे देते हैं दोनों टीम का, 2-2 लीटर जी। और 100 ग्राम घी दे देते हैं भैंस वाला जी। और दाना तो है 2-2.5 किलो ये हो जाता तो है। सर हम कई बार ऐसे सुनते हैं कि जो घोड़े का पाचन तंत्र है वो थोड़ा कमजोर होता है गाय भैंस की तुलना में। तो गाय भैंस की तुलना में थोड़ा होता है। इसके स्पेशल इसके लिए कुछ केयर रखनी होती है? इसके लिए कुछ मसाला रखते हैं जी, थोड़ा बहुत ये जो हिमालय बत्तीसा है या कुछ और एक्स्ट्रा बना लेते हैं जी। तो इसकी सेहत के लिए आप इसको रोजाना जो है टहलकदमी भी इसको घुरा रहते ना, घुमाते हैं। तो आप प्रतिदिन जो है रोजाना कितना आप घुमा लेते हो? इसको 2-3 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर आप रोजाना? हाँ, रोज घुमा लेते। तो आपने इसकी सवारी कब से जो है? सवारी तो अभी बस बिल्कुल 1-2 बार करी है। 1-2 बार? हाँ, अभी लगेगा 2.5 साल के बाद करते हैं सवारी जी, जी। तो जैसा कि हम आपके साथ यहाँ देख पा रहे हैं, जो कि जिसने प्रताप को जो पकड़ी हुआ है, तो ये आपके रिलेशन में क्या है? ये अपने एक दोस्त का लड़का है जी, जी। इसको शौक है, इसके पापा को भी शौक है जी, जी। तो काफी सेंसिल हमने आपका जो मारवाड़ी घोड़ा है वो देखा, ये शरीफ। तो आपके अलावा भी दूसरा मालिक कोई इसका बनना चाहता तो आराम से उसको एक्सेप्ट कर? हाँ बिल्कुल, ये तो मानने वाली चीज है, कुत्ता है घोड़ा है, ये तो मान लग जो पकड़ेगा उसी को मालिक मानने का। तो मैं स्पेशली, मेरे को एक क्वेश्चन ध्यान में आ गया, कई बार व्यूअर्स पूछते हैं घोड़े के जो पसंद करने वाले लोग हैं वो भी हमसे कई बार जुड़ते हैं, तो कई बार वो इस घोड़े में जो एक घोड़ा बोलते हैं वो जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसकी आप उस बारे में बताना चाहेंगे? बताएं जी। जैसे एक भोरी होती है अशुडाल जी, वो माथे में होती है जी, जो आँख से नीचे आएगी ये वाली है ना जी, ये आँख से नीचे होगी तो उसको अशुडाल बोलेंगे, इसके 2 पॉइंट थोड़ा कम हो जाएगा। और जैसे ये होती है, ये सबसे भगवान होती है, देवमणि, देवमणि बोल, देवमणि। और ये इधर होती है, ये कंठमणि है, इसको देवमणि भी है और हाँ कंठमणि भी है। तो जैसे इसमें फाइट करते हैं तो इसके मार्क्स भी इसको एक्स्ट्रा मिलते हैं? हाँ, कुछ मिलते हैं, जो अच्छा जज है और वो जो उसको कमेंट करता है ना देखने का उसका आता है। हाँ, बाकी अलग और, मेले की जो है डॉक्टर्स होते हैं उनके टर्म कंडीशन अलग होती है। हाँ, हाँ, लेकिन इनके मायने रखने मायने पक्का। तो काफी सर आप जो ये घोड़ों का शौक रखते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो क्या इसके अलावा भी आपके पास कोई और? हाँ, घोड़े हैं, इसकी माँ है और एक और घोड़िया है जी, और वो बुढ़ा घोड़ा है जो 29 साल है जी, जी। तो हमने एक बार चर्चा सुनी थी कि आपके एरिया में काफी कीमत वाला जो घोड़ा है वो सेल हुआ, तो क्या आपके पास ही था वो? हाँ, अपने पास जी। क्या नाम था सर उसका? उसका बादल। बादल, तो उसने भी कंपटीशन फाइट किया? हाँ, उसने अपने जैसे कंपटीशन में लेके नहीं गए थे, पर क्यों उस टाइम पर लगते कम थे जी, वैसे वो अपने एरिया में फर्स्ट में था।
तो आपने छोटे कंप्यूटर प्राइस में उसको सेल आउट किया? नहीं, उसको तो नहीं करे ना, बड़े वाले तो एक और अलग था, चाल वाला था, रबिया चाल में। जी जी। हाँ। तो वो चाल में मशहूर था। हाँ, वो अभी तो उसका है। नाम क्या था सर? उसका नाम पतंग। पतंग गुजरात में सूरत में है, बेच दिया था। तो आपने वो सेल कर दिया? काफी अच्छा। तो सर हमने आपकी वीडियो में आपका पशु जो प्रताप घोड़ा है, मारवाड़ी घोड़ा है, ये हमने वीडियो में कवर किया और आपने वीडियो में कवर करवाया और काफी डिटेल हमें दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।